इंटरनल मॉडेम हो गया था क्या हमारा, हैज बीन फिनिश्ड इंटरनल इंटरनल मॉडेम। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम के बारे में आपको बताया था जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है, इसको हम लोग इंटरनल मॉडेम कहते हैं। नाउ एक्सटर्नल मॉडेम मीन्स जो कंप्यूटर के बाहर जो फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था ना कि दो एंटीना होते हैं, उसको ऐसे छोटा सा डिब्बा होता है, उसको दो एंटीना होता है, दैट इज योर मॉडेम। हमारे ऑफिस में है, सो द मॉडेम दैट रिसाइड्स इन अ सेल्फ कंटेन्ड बॉक्स आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम्स, कॉन्ट्रास्ट विद एन इंटरनल मॉडेम विच रिसाइड्स अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इंसर्टेड into the computer. The external modem tend to be slightly more expensive than internal modem. May expert consider them superior because they contain light that indicate how the modem is functioning. In addition, they can easily move from one computer to another. However, they do use a COM port. Now, abhi internal modem aur external modem mein difference kya hai? Ki use karte hain internal aur external modem. First, internal modem aur external modem. हालांकि इंटरनल मॉडेम को हमको ज़्यादातर कनेक्ट यानी कि इजीली कनेक्ट होता है वो, आपको ज़्यादा उसको कॉन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एक्सटर्नल मॉडेम को हमको वायर ज्वाइन करना और उसको इंस्टॉल, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सटर्नल मॉडेम में। पर फिर भी जो एक्सपर्ट्स है, जो सुप्रियर यानी कि सबसे अच्छा रिलायबल जो मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर लाइट्स होते हैं, उससे पता चलता है कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं, वाईफाई ऑन है या नहीं है, लैंड केबल कनेक्टेड है या नहीं है। वो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके ऊपर देख सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि हमारा जो इंटरनल मॉडल से एक्सटर्नल मॉडल सुप्रियर यानी कि बेहतर है हमारे यूज के हिसाब से। कुछ पूछना किसी को, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है क्या किसी को? अनुष्का, कुशवा, व्हाट्स नेम, फुल नेम, सिद्ध मेयर मंचर क्या? नाम क्या है? अरे पीछे दशमेश में पहचान करें क्या? पीछे फुल नेम मामा किसे कहा? मार्कन। पहले कौन से स्कूल में है? हाउ डज अ कंप्यूटर कनेक्ट द इंटरनेट कनेक्ट टू द हाउ डज अ कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट? Internet can be accessed in different ways through a dial-up connection. A dial-up service connects to the internet through a phone line with a maximum speed of 56 kbps. While using a dial-up connection, you need to pay for a local call every time we dial the internet. Now, internet can be accessed in a different way. अभी internet अलग-अलग तरीके से कनेक्ट होता है। सो सबसे पहला है थ्रू डायल अप कनेक्शन।
थ्रू डायल अप कनेक्शन. तो डायल अप कनेक्शन क्या होता है, डायल अप कनेक्शन सर्विस कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ फोन लाइन विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 56 kbps. डायल अप कनेक्शन जो है आपका इंटरनेट आपके फोन लाइन कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से आपका इंटरनेट को डायल अप जो कनेक्शन है फोन लाइन के थ्रू वो कनेक्ट होता है. इसके थ्रू फोन लाइन के थ्रू डायल अप आपके कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट होता है. और उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, 56 kbps. यानी कि kbps का फुल फॉर्म क्या है, किलो बाइट्स पर सेकेंड. आपने मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट देखा ना, समझाया मैंने आपको. सो वही यहाँ जो ये जो बाइट्स पर सेकेंड है ये उसका स्पीड मेजर करता है. क्या करता है, स्पीड मेजर करता है. आप लोग बोल रहे ना 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, आपकी जब भी एक टू व्हीलर बाइक चलाते आपके कोई बड़ा भाई या मम्मी पापा जो भी तो उसके ऊपर स्पीड मीटर होता है. वो स्पीड वो बताता है कि कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, 60 km/h यानी कि एक घंटे में 60 km जा सकते हैं कोई सब. ओके, सो वो स्पीड मेजर करते हैं. उसी तरह से kbps mbps में ये स्पीड मेजर करते हैं, यानी कि किलोबाइट्स पर सेकेंड, यानी कि 56 किलोबाइट पर सेकेंड के हिसाब से डायल अप कनेक्शन का स्पीड रहता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाइल यूजिंग अ डायल अप कनेक्शन वी नीड टू पे फॉर अ लोकल कॉल एवरी टाइम वी डायल द इंटरनेट. इन एडिशन फोन लाइन इज एंगेज व्हाइल वी आर ऑन द इंटरनेट विथ अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. फोन लाइन इफ एग्जिस्टिंग फोन लाइन इज यूज्ड कैन स्टिल बी used while using the internet and both the phone and the internet working simultaneously. No dial-up costs are incurred. Telecommunication systems were originally built to carry analog signals. In a dial-up connection, modem are used to translate the digital signal into analog signal and communicating with the internet. अभी डायल अप कनेक्शन में अगर हम लोग जब भी डायल करते हैं, जैसे किसी को फ़ोन लगाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका नंबर लेके डायल करते हैं. सो जैसे भी हम लोग डायल करते हैं आप क्या होता है, हमारा पैसे कटते हैं. अभी हमने तो मंथली प्लान ले लिया है तो सिर्फ वो प्लान में से भी जो भी लिमिट्स है वो उतने फॉर मंथली प्लान, एक महीने के प्लान में अगर जितने मिनट से उसमें से कुछ मिनट्स कटते हैं. और इससे पहले क्या होता था, पैसे आते थे, आपने 100 का रिचार्ज मारा आपको 70 rupees, 50 rupees या जितने कुछ होते हैं 80-85 rupees ऐसे कुछ आ गए आपके बैलेंस. जैसे भी आपने डायल किया वैसे पैसे कटते थे, 10 मिनट बाद की 10 रुपये कट गए. तो उसी तरह से इस डायलअप कनेक्शन की भी बिलिंग होती है. सो इट ऑल्सो व्हेन यू डायल अ कॉल टू कनेक्ट टू इंटरनेट, तब आपकी जैसे डायल करते वैसे आपके बिलिंग गिरता है आपको. सो और डायलअप कनेक्शन का और एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ डायलअप कनेक्शन पर तो फिर फ़ोन नहीं लगा सकता, और अगर मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ तो इंटरनेट नहीं यूज़ होगा. ओके, डायलअप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना. पर ब्रॉडबैंड में ये इश्यूज़ नहीं है, ब्रॉडबैंड में आप लोग फ़ोन भी लगा सकते हो और इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको,
डेफिनेटली सच में कि कोई भी इश्यू रहेगा तो हाथ ऊपर करके पूछ लेना है। एनी क्वेरीज फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, डायल अप कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। ये आपका फोन है, ये फोन का रिसीवर है, एग्जांपल बता रहा हूँ, डायल अप कनेक्शन है। जब मैंने डायल किया फोन उठाया या फिर फोन किया फोन करने के लिए भी और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए भी, जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो या तो एक तो ये फ़ोन कॉल चलेगा या फिर कंप्यूटर पे इंटरनेट चलेगा, डायल अप कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, अगर मेरा फ़ोन आया तो इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाएगा, ओके, या फिर मैंने फ़ोन लगाने के बाद भी इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ब्रॉडबैंड में ये इश्यूज नहीं है। ब्रॉडबैंड में अगर मुझे कॉल आया, मैं फ़ोन भी रिसीव कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन कॉल भी चलेगा और इंटरनेट भी चलेगा ब्रॉडबैंड में। इज इट क्लियर? ठीक है। सो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वेयर ओरिजिनली बिल्ट टू कैरी एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स इन डायलअप कनेक्शन मॉडल आर यूज टू ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड कम्युनिकेटिंग विद इंटरनेट। नाउ ब्रॉडबैंड मतलब वो कनेक्शन का नाम है ब्रॉडबैंड, ओके। डायलअप मीन्स आपको फोन नंबर डायल करना पड़ता था, इसलिए डायलअप कनेक्शन उसको कहा गया। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है वो उसकी कनेक्टिंग केबल है वो अदर केबल से जो कनेक्ट है और वो फोन लाइन के थ्रू ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, तो इसको ब्रॉडबैंड कहा गया। ब्रॉड यानी कि बड़ा और बैंड, इसके तो बैंड मुख्य हमारे होता है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड। ओके, सो जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर एनालॉग सिस्टम को कैरी करने के लिए बनाया गया था, बट जैसे इन अ डायल अप कनेक्शन मॉडर्न आर यूज्ड टू ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनेट। पर डायल अप कनेक्शन में क्या हुआ, मॉडेम्स जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करने के लिए और इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं। नाउ हाउएवर एनालॉग ट्रांसमिशन बिटवीन सब्सक्राइबर एंड द टेलीफोन कंपनी इज अ बैंडविड्थ बॉटलनेक, डायल अप कनेक्शन स्पीड मेक इट more difficult to view certain types of media such as videos, and it can take much longer to download and open email attachment, play online games and so on. So ye jo analog transmission system tha kaha par transmission डायल अप कनेक्शन में क्या होता था, डायल अप का स्पीड बहुत 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 स्लो होता है, बहुत यानी कि बहुत स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज, आप लोग तो अभी सभी इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, यू आर ऑल अवेयर दैट हाउ यू कैन यूज द इंटरनेट। आपको सबको बहुत ही टेक्नोलॉजी आई हो गया लॉकडाउन की वजह से, है क्या नहीं। अभी पूछा गया है तो हम लोग कुछ भूल गया रह गया, हम टीचर्स को इतना पता नहीं, आप लोगों को उतना पता होता है ना। सो डायल अप कनेक्शन जो था वो बहुत, उससे आपका इंटरनेट बहुत स्लो चलता था। उसको ईमेल, आपको फॉर एग्जांपल ईमेल देखना है, वीडियो देखना है या फिर और कुछ ऑनलाइन गेम प्ले करना है, तो वो इतना स्लो था, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें सारी पॉसिबल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पर बैठकर एक ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, या फिर आज मैंने जो लेक्चर यहाँ पर फोन में अटेंड करा और मैं जो अपने गूगल क्लासरूम के ऊपर डाल रहा हूँ, तब आपको ये पूरा कम से कम 1GB 2GB का जो वीडियो है वो डाउनलोड कर देखने के लिए मैक्सिमम आपको कम से कम डायल अप कनेक्शन के थ्रू दिन भर लगता था, इतने कम स्पीड है। पूरा दिन धीरे 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 थोड़ा 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 डाउनलोड होगा। पर ब्रॉडबैंड यूज़ करने की वजह से आप लोग कुछ ही आधे घंटे में आपका ऑफिस हो जाता है। सो ये स्पीड में इतना डिफरेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? सो इसलिए डायल अप कनेक्शन आउटडेटेड हो गया और ब्रॉडबैंड लेटेस्ट में आया, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है डायल अप के कंपैरिजन से। थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, द टर्म ब्रॉडबैंड कॉमनली रेफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑलवेज ऑन द फास्टर दैन द ट्रेडिशनल डायल अप कनेक्शन। देखो वही यहाँ पर वही दिया गया, जो ब्रॉडबैंड जो है ये टर्म वो डायल अप कनेक्शन से बहुत ज़्यादा स्पीड है, और उसके कंपेयर में हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ब्रॉडबैंड। हाउ इज ब्रॉडबैंड डिफरेंट फ्रॉम डायल अप सर्विस? अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन डायल अप सर्विस से डिफरेंस कैसे है, क्या इसमें खामी है या फिर उसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड जो सर्विस है आपको हाई स्पीड जो भी डेटा ट्रांसफर जो होता है आपका वो हाई स्पीड में आपको मिलता है। तो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी इंटरनेट सर्विसेज, देयरफॉर ब्रॉडबैंड सर्विस में इंक्रीजिंगली नेसेसरी टू एक्सेस द फुल रेंज ऑफ सर्विस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट द इंटरनेट कैन ऑफर। जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो इसके अंदर जो इंटरनेट एक्सेस है वो हाई क्वालिटी इंटरनेट सर्विसेज मिलती है वो ब्रॉडबैंड के थ्रू, और आपको इसके अंदर रेंज भी फुल मिलती है जो इंक्रीज होती जाती है। Now broadband is always on, it does not block phone lines and there is no need to reconnect to the internet after logging off. अभी dial-up का क्या problem था कि हर बार हम लोग को जब भी internet connect करना होता था तो हर बार dial-up करके internet connect करें, ब्रॉडबैंड का वैसा नहीं। आपने अगर सेटिंग करके रखिए जैसे आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो उसी तरह से डायरेक्टली आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, उसी वक्त जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया इंटरनेट की आपके कंप्यूटर पर एक्सेस स्टार्ट हो जाए, बार बार उसको मैन्युअली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रॉडबैंड। लेस डिले इन ट्रांसमिशन व्हेन यूजिंग ब्रॉडबैंड। सो यहाँ पर बहुत कम देर लगती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए डायल अप के थ्रू ब्रॉडबैंड। ओके, सो ये सारे डिफरेंस थे डायल अप कनेक्शन में। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखने वाले क्या हमारे 2-3 ही पेज रह गए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके।